पहली बात, आपका परिचय आपका मकान नंबर नहीं है, आपका परिचय आपकी सुंदरता नहीं है, आपका परिचय युवान भाई आपका ब्रांडेड कपड़ा नहीं है, आपका परिचय आपकी ब्रांडेड गाड़ियां नहीं है। क्या है? आपका परिचय आपका स्वभाव है, आपका चरित्र है। और ये कहां से, ये जिस प्रकार रथ का जो पताका होती है वो किस पर रहती है? ऊपर रहती है और वो दूर से दिखती है। पताका जब फहरती है तो कहां दिखती है? दूर से दिखती है। तो जीवन रथ आपका जीवन दूर से दर्शनीय होना चाहिए। आपके जीवन के सुबास, आपके विचार, आपके शब्द से प्रभावित होकर आज नहीं आदि तक लोग। और ये क्या है, ऋषि मुनियों का जीवन, बाबा तुलसीदास जी का जीवन ही तो है। उनके जीवन के सुबास और त्याग के सुबास का परिणाम ही तो है कि हम आप उस सुबास से सुभाषित हो रहे हैं। उनके उस भक्ति और त्याग के ज्ञान से हम अपने को पवित्र कर रहे हैं। ये सर्वत्र सर्वदा अपवित्र जीव मानस की चौपाइयां गा गा करके अपने को पवित्र कर ले रहा है। ये क्या है? ये ध्वजा पताका है। और ऋषियों ने श्रेष्ठ क्या करते हैं, श्रेष्ठ की ध्वजा पताका क्या है? तो उस पर जो पताका है वो किसकी है? सत्य की पताका है। और उस पताका पर नेत्र क्या है? दो चक्षु, सत्य सील, सील रूपी नेत्र लगे हैं उसमें, सीलवान, गुणवान, काम क्रोध मद मोह लोभ रूपी रूप से वशीभूत नहीं होते हैं वो नेत्र। उन नेत्रों को ये नहीं दिखता काम क्रोध मद मोह लोभ। किन नेत्रों को? जो सत्य के साथ रहते हैं, जो सत्य का जैसा सत्य अपना जीवन सत्य की कसौटी पर जीने का प्रयास करते हैं। प्रयास कह सकते हैं, कर नहीं सकते परंतु प्रयास कर सकते हैं। प्रयास कर सकते हैं क्योंकि भैया सत्य सब धर्मों में श्रेष्ठ है।